फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ पूजा एंड दिस इज़ माई चैनल। टूडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट विटामिन सी। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विटामिन सी, वी ऑल नो कि हमारी बॉडी और हमारे स्किन के लिए कितना यूजफुल होता है, बिकॉज जो विटामिन सी होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी जो स्किन होती है उसको रिजेनरेट करते हैं और जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। एंड विटामिन टाइप से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग उसको खाने में यूज़ करते हैं एज अ सीरम, एज अ क्रीम और एज अ फेस वॉश। बहुत सारे तरीक़ों से उसको यूज़ करते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है वो है सीरम के ऊपर, कि हमें विटामिन सी सीरम की नीड क्यों है हमारी स्किन को और किस किस को ये यूज़ करनी चाहिए, किस किस को यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे सेफेस्ट जो विटामिन सी माना जाता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड एक केमिकल फॉर्मूला है विटामिन सी को बनाने का, तो ये बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है बजाय हम लोग जो कोई भी अदर विटामिन सी यूज़ करते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज और वट एवर इन होम रेमेडीज। सो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो कॉमनली बहुत ही सेफेस्ट माना जाता है। एंड जितने भी हम लोग सीरम देखते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर 90% जो सीरम बनती है विटामिन सी की वो एस्कॉर्बिक एसिड से ही बनती है। जनरली विटामिन सी उनको रिकमेंड किए जाती है या फिर उनको यूज़ करनी चाहिए जिनके डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, और कोई भी अगर आप स्किन डल हो गई है, क्योंकि हमारी जो 25 के एज के बाद हमें कोई ना कोई सीरम यूज़ करनी चाहिए, वेदर हमारी स्किन की कंडीशन कैसी भी है, सही है तो भी और जैसी भी है वैसे उस हिसाब से हमें अपनी कंडीशन को देख के सीरम्स यूज़ करनी चाहिए। और जहाँ तक विटामिन सी की बात की जाती है, ये सारी स्किन को सूट करता है, सिर्फ जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको ये थोड़ा सा टेस्ट करके तभी यूज़ करना चाहिए। सो आते हैं टॉपिक पे। तो जो मैं बात करने वाली हूँ वो है गार्नियर स्किन नेचुरल, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट के अंदर, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बताया गया है कि ये 30x विटामिन सी है, मतलब 30 गुना ज़्यादा बेटर वर्क करती है जितनी भी विटामिन सी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सो अब इसमें ये जानते हैं कि इसको 30x क्यों बताया गया है। तो इसमें लिखा है 30x विटामिन सी बूस्टर सीरम स्पॉटलेस ब्राइट स्किन इन 3 डेज। 3 डेज बहुत कम होता है किसी भी क्रीम को रिजल्ट, किसी भी क्रीम या सीरम को रिजल्ट देने के लिए, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइप करने के लिए आई थिंक मार्केटिंग के लिए इसको यूज़ किया गया है और मे बी इट वर्क्स। सो अब ये जानते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से कंपनी इसको इतना ज़्यादा हाइप। नॉर्मली देखा गया है कि जो हम लोग विटामिन सी यूज़ करते हैं उस वो हमें जितना कॉन्सेंट्रेट यूज़ करना चाहिए वो होता है 10-20%। अब बहुत इनफ होता है किसी भी स्किन के लिए, वेदर उसकी कंडीशन ख़राब है, सही है, जो भी है, बट उसकी उसका कॉन्सेंट्रेट 10-20 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट जो ये विटामिन सी है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ये एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है इसके अंदर, जो कि आई थिंक सबसे बेस्ट है। सेकंड सबसे मोस्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो है सैलिसिलिक एसिड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्ने, पिगमेंटेशन और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। सो अब ये 2 पॉइंट तो क्लियर, इनको बहुत ही इरीटेट कर सकता है, सो बी केयरफुल। बट इस सीरम के अंदर ये बताया गया है कि ऑल स्किन टाइप के ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी बेस्ट थिंग। एंड इस सीरम की सबसे बेस्ट बात ये लगी है कि इसकी 3 टाइप से पैकेजिंग की गई है। जो फर्स्ट 30 ml की बोतल आती है वो अराउंड आती है 520-600 समथिंग की। अगर आप उसको ट्राई नहीं करना चाहते तो आप उससे कम की ले सकते हैं, विच इज़ 250। एंड अगर आप उसको भी ट्राई नहीं करना चाहते तो इसके एक टेस्टर भी आता है विच इज़ अराउंड 100-150 समथिंग। सो आप उसको एक बार स्किन पे टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप स्किन पे वर्क कर रहा है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ ऐसा हाइप देख के परचेस करके अपनी स्किन को ख़राब मत कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि अब इसको स्टोर कैसे करना है, बिकॉज जो विटामिन सी होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई कॉन्टेक्ट में आते ही ख़राब होने लगता है, तो हमें इस सीरम को विटामिन सी
स्पेशली विटामिन सी सीरम को हमें किसी भी डार्क प्लेस में रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो, बिकॉज इससे आपका विटामिन सी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा और उसका जो का कॉन्सेंट्रेशन लाइट होता रहेगा उतना ही ये कम वर्क करेगा सो और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको किसी भी डार्क प्लेस में रखना है। तो मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखा देती हूँ कि ये सीरम कैसे आती है, विच इज़ इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बट मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये पैकेजिंग इसकी डार्क बोतल में नहीं है जिसकी वजह से ये ख़राब हो सकती है। सो लेट्स टेस्ट इट। ये काफ़ी लाइट वेट है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी स्किन को एक अलग सा ग्लो देगी। और अभी मेरे को इसको यूज़ करते हुए 3 दिन ही हुए हैं तो मैं इसका आपको अभी रिज़ल्ट नहीं बता सकती, बिकॉज 3 दिन में कोई भी सीरम ऐसे वर्क नहीं करती चाहे वो कितना भी कुछ भी बोले कंपनी मार्केटिंग के लिए। सो मैं आपको इसका 1 मंथ के बाद इसका फुल रिव्यू बताऊँगी कि ये मेरी स्किन पर वर्क किया कि नहीं किया। तो आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे मेरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना क्योंकि इसी से मेरे नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।